हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। साड़ा टॉपिक है बुद्धि अंक की निरंतरता, कॉन्सटेंसी ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट। कई लोग सोचते हैं कि बुद्धि अंक जो स्थिर रहा है, घटाया जा बधाया नहीं जा सकता। कई लोग कहते हैं कि यह सिखलाई नाल बधाया जा सकता है, इसनों बदलिया जा सकता है, पर किसी हद तक जिस तो अगे बधाना असंभव हो जाता है। एक मूड बच्चे नू असी प्रतिभाशाली बच्चा नहीं बना सकते। बचपन तो वड्डी उम्र विच प्राप्त किए बुद्धि अंकों का संबंध सिद्ध करता है कि तीखण बुद्धि वाले व्यक्ति समा बीतन नाल भी तीखण बुद्धि के मालिक ही रहिंदे ने, ते मंद बुद्धि हमेशा ही मंद बुद्धि के मालिक रहेंगे, भावें कि दोहां दे बुद्धि अंक बदलते रहते ने। इस अर्थ यह होया कि बुद्धि अंक स्थिर नहीं रहिंदा। बुद्धि अंकों की स्थिरता की समस्या जद्दी संस्कारां ते वातावरण के तुलनात्मक प्रभाव नाल सीधे रूप में संबंधित है। कैटल ते डिक्सन ने अध्ययन किया है जिदे तो यह पता लगता है कि एक व्यक्ति का बुद्धि अंक निरंतर इको जिहा रहिंदा है। एक 10 साल की उम्र वाले बच्चे का जो बुद्धि अंक मिले तो वह भी बुद्धि अंक उसके 15 साल की उम्र भी सेम रहेगा, बुद्धि प्रीख्या के फलस्वरूप होगा। बुद्धि लगभग 17-18 साल तक की उम्र तक वधदी है, पर बुद्धि अंक निरंतर इको जिहा ही रहिंदा है। हुण बुद्धि का विकास देखते हैं असी, डिवेलपमेंट ऑफ इंटैलीजेंस। बुद्धि के विकास संबंधी मनोविज्ञानियों के कई मतभेद ने। बहुत सारे मनोविज्ञानी इस गल नाल सहमत ने कि शरीरक विकास की तरह मुढ़ले बालपन की अवस्था में मानसिक योग्यतावां में तेजी नाल वाधा हुंदा है, ते ज्यों ज्यों बच्चा वड्डा हुंदा है विकास की गति घटती जाती है। वाधे की गति 13वें साल के नेड़े तेड़े धीमी हो जाती है। 14वें 15वें 16वें साल मानसिक विकास 2 साल जिन्ना ही वाधा है। फिर भी इस संबंध में मनोविज्ञानियों की वख-वख राय है। टर्मोन की राय अनुसार असी देखते हैं 1916 टर्मन ने स्टैंडर्ड विनय टैसट के आधार पर सिट्टा कढ़िया कि मानसिक विकास 16 साल की उम्र तक रुक जाता है। मौली द्वारा कढ़े सिट्टे तो देखते हैं असी, वो कहता कि मानसिक विकास 20 साल की उम्र तक हुंदा रहिंदा है। 20 तो 40 साल तक मानसिक स्तर विच औसतन कोई परिवर्तन नहीं हुंदा। 40 साल तो बाद जड़ी मानसिक स्तर आ घटना शुरू कर दिंदा है। तो मौली ने बुद्धि के विकास के कई पक्षों पर रोशनी पाई है, जिन्हां दे विच उम्र वधन नाल बच्चा हर चीज़ नूं समय ते स्थान दे पक्षों विशाल दृष्टिकोण तो सोचण लग जांदा है। मानसिक विकास के नाल नाल लंबे समय विच एकागर करन दी शक्ति वधदी है। उम्र वधन नाल अमूर्त चीज़ां ते चीज़ां नूं वरतण दी शक्ति वधदी है। मानसिक विकास वधन नाल दिन दे सुपने घट जांदे ने, इस नाल याद शक्ति विच वाधा हुंदा है। मानसिक विकास नाल तर्क शक्ति वधदी है। हुण असीं देखते हाँ कि बुद्धि नूं प्रभावित करन वाले कारक किहड़े किहड़े ने। नंबर 1 ते हैगी आ सिक्ख्या। बुद्धि प्रीख्यावां तो स्पष्ट हुंदा है कि सिक्ख्या ते सिखलाई व्यक्ति दे बुद्धि विकास ते बहुत ज़्यादा प्रभाव पाउंदे ने। फ्रीमैन ते हॉलजिंगर दे खोज अध्ययनां तो स्पष्ट हुंदा है कि चंगी सिक्ख्या देण नाल बुद्धि विकास करन विच सहायता मिलदी है। चंगे स्कूल मानसिक विकास ते चंगा प्रभाव पाउंदे ने। 14 तो 20 साल तक दी उम्र दे बच्चियां दे मानसिक विकास विच अंतर स्कूल विच बिताए समय नाल सीधा संबंध हुंदा है। अर्थात जिन्हां ने स्कूल विच वध समां लगाया है उन्हां दा मानसिक विकास भी वध हुंदा है। फिर नंबर 2 ते फैक्टर हैगा सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स। बुद्धि दे विकास विच समाजिक आर्थिक अते उस देश दे सभ्याचारक हालातां दा भी प्रभाव पैंदा है। आम तौर पर समाज के नीवें वर्ग के लोगों जां आर्थिक तौर पर पछड़े लोगों का बुद्धि अंक घट हुंदा है। जिहड़े बच्चे गंदियां बस्तियों विच जम्मदे पलदे ने उन्हां दा बुद्धि का विकास पद्धर भी घटिया हुंदा है। अगे हैगा घरेलू वातावरण। कई खोज अध्ययनां तो पता लगता है कि बुद्धि का घरेलू वातावरण नाल गूढ़ा संबंध है।
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਗਿਆਨਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੀਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਅੰਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧੀ ਅੰਕ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਆ ਕਿ ਉਮਰ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਤੀ ਅੰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿੰਗ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁੰਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਤੇ ਕਈ ਖੋਜ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।